किसान साथियों, मैं रमन त्यागी आप सभी का अभिनंदन करता हूँ रवि जॉन फार्म फ्रंट में। किसान साथियों, आज हम आए हैं पीडीएफए के मेले में और आज हम मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम खड़े हैं वनसुन कंपनी के स्टॉल पर, जहाँ पर वो बनाती हैं डेयरी से रिलेटेड सारे इम्प्लीमेंट्स जैसे कि मिल्किंग मशीन। तो आज हम ऐसी मिल्किंग मशीन के बारे में बात करेंगे जो पशु, कम से कम पशु रखते हैं जैसे 2, 4, 5, 10 तक, तो उनके पास में एक ऐसी मिल्किंग मशीन है जो छोटे फार्मर्स भी खरीद के अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे उसके बारे में। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। भाई जी, आपका स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्म फ्रेंड में। जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, आप उन्हें अपना छोटा सा परिचय दीजिए और अपनी कंपनी के बारे में बताइए। नमस्कार सर, मैं मनदीप वेंसन टेक्नोलॉजी से। आज मैं आपको अपनी मशीन के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करती है, इसकी कितनी अमाउंट है जी, जो भी फार्मर्स को इसकी प्रॉब्लम मिल्किंग में आती है वो कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। तो आपकी जो कंपनी है वो कहाँ से है सर? ये मेरा इनका हेड ऑफिस नोएडा से, अब बाकी हमारे पंजाब में इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो कितने टाइम से आपकी कंपनी काम कर रही है? 20 साल हो गए जी हमारी कंपनी से जी काम। तो डेयरी फार्मिंग के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब कुछ बनाती सब बनाती है। अच्छा, जैसे तो कि मशीन होगी, मेन तो ये मशीन का काम करती है, जैसे हमारे फैन आते हैं, मैट आते हैं जी, पार्लर्स आते हैं, सब चीजें हमारी कंपनी। तो आज हम क्या दिखाना चाहेंगे किसान भाई? हम आज ये स्मॉल फार्मर के लिए स्मॉल मिल्किंग मशीन है उनके बारे में आपको ये बताऊंगा जी। तो जैसा कि हम मिल्किंग मशीन की बात करें जी, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जी जो अपनी अपनी मिल्किंग मशीन लेके आ रही हैं जी, तो आपकी मिल्किंग मशीन में ऐसा क्या अलग है जो उनसे बहुत इस चीज को डिफरेंट बनाता है? सबसे पहले सर, हमारी जो सर्विस है डोर टू डोर कस्टमर को उनके घर पे मिलती है। अच्छा, दूसरी बात सर, ये हमारा कंपनी नया पल्सेटर है जिसको लॉन्च किया है जी, इसको हाइड्रो पल्सेटर है जी, इसकी हमारी 2 साल की गारंटी, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है हम इसको चेंज करके वापस रिप्लेस। अच्छा, 2 साल की गारंटी? 2 साल की गारंटी। अच्छा जी, कोई इसका कोई पैसा नहीं है, ठीक है, इसको अंडर वारंटी में चेंज किया जाएगा, 2 साल की गारंटी जी। बाकी ये हमारा क्लो है जी, ये लोगों का जो इसका जो सीसी का कैपेसिटी होता है 200 सीसी का होता है। अच्छा, इसका 300 सीसी है जी, इसमें दूध है जो जल्दी से बकेट के अंदर चला जाता है, मिल्किंग बहुत जल्दी से हो जाता है। अच्छा, फटाफट से सक कर लेता है, सक करता है, ठीक है। इसमें जो हवा का प्रेशर है जो जी ज्यादा रहता है। अच्छा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम होती है और दूध का फ्लो जल्दी नहीं जाता है। अच्छा, इसमें ये क्वालिटी का इसमें है हमारे में एक सबसे जी, ये हमारा सर आता है मस्टाइटिस इंडिकेटर। अच्छा, अगर किसी गाय को मस्टाइटिस वगैरह किसी चीज की प्रॉब्लम आती है जी, यहाँ पे आके उनकी जो छिड्डी है अच्छा, ये यहाँ पे आके रुक जाएगी, ठीक है, और जो हमारा उनको कस्टमर को पता लग जाता है कि हमारी गाय को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, थनेला रोग कुछ है, हाँ जी जी, इससे वो अपनी गाय का दूध अलग रख सकता है, जो भी उसको ट्रीटमेंट देना है वो यहाँ से पता। अच्छा, ये इंडिकेट कर देगा कि इसको थनेला रोग है या कोई भी उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, और यहाँ से दूध है जो फिल्टर होके बकेट में वापस आएगा। अच्छा अच्छा जी, अगर हम बात करें इसके मोटर की, मोटर की तो कितने एचपी का मोटर? 550 वाट की है जी, आधे एचपी की। अच्छा, आधे एचपी की। हाँ जी, और ये जैसे ये है जी, तो इसकी लाइफ कितनी है? ये 1 साल तक काम करता है, 1 साल बाद में चेंज करना पड़ेगा। 10 एनिमल है जी, 10 महीने से लेके 1 साल तक इसको कोई भी किसी चीज का कोई पार्ट चेंज नहीं करना पड़ता है। अच्छा जी, दूसरा ये जो हम मिल्किंग मशीन देख रहे हैं, हाँ जी, ये कितने पशुओं पे काम करती है? ये सर, जैसे कि बड़े फार्मर थे उनके लिए तो पहले ये बड़ी मशीनें आती थी हमारी जी, 1 HP, 2 HP, 3 HP, ये जैसे अब हमारे छोटे फार्मर्स हैं जी, जिनको भी मिल्किंग की प्रॉब्लम आती है, छोटे 3 से 4 पशु रखते हैं, 4, 5, 6, 7, 10 से लेकर 10 तक, हाँ, सफिशिएंट है। अगर हम इसके बकेट की बात करें जी सर, तो ये बकेट कितने लीटर का है? ये सर 28 लीटर का है। अच्छा, क्योंकि जिस हिसाब से अब गाय के दूध की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, जो छोटे ड्रम होते हैं उसमें उनको चेंज करना पड़ता है जी, कि बकेट भर गया तो चेंज कर दो, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि अभी जैसे कुछ मशीनों में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए 28 लीटर का ये बकेट है जी, लेकिन हो सकता है कि 25 लीटर पे जाके वो कट मार देती है जी, तो ऐसा इसमें भी कुछ है सर? अच्छा, मैं आ जाऊँ जी जी जी। इसमें सर ये वॉल लगा होता है, इसको NRV कहते हैं, जैसे इसके साथ दूध टच करेगा अगर कोई मिल्किंग ज्यादा दूध आ जाता तो पता नहीं चलता जी, ये गोली इसके साथ टच कर जाएगी, ये ऑटोमेटिकली इसको काट देगा, रोक देगा। अच्छा, ये नहीं है कि ओवरफ्लो होकर बाहर निकल जाए या कुछ हो जाए, नहीं, मशीन रुक जाएगी। अच्छा अच्छा जी, तो भाई जी, अगर हम बात करें अब इसकी गारंटी या वारंटी की,
तो वो कंपनी कितने टाइम की दे रही है? एक साल की इसकी गारंटी है जी। अगर पंप में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है अंडर वारंटी में इसका ये चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। और इसकी ये दो साल की। ठीक है, अगर हम बात करें अब इसके प्राइस की जी, तो वो वैसे इसका 42,000 इसका प्राइस है, 42,000 रुपए। यहाँ पे हम एग्जीबिशन में इसका 2,000 रुपए लेस दे रहे हैं, 40,000 में सेल, 40,000 में आप सेल कर रहे हैं जी। अगर कोई किसान भाई मान लीजिए, ये तो अब पंजाब में हम मेले में जो आ रहे हैं वो इसको ले सकते हैं, जो लोग बाहर किसी दूसरे स्टेट से हैं वो इसको कैसे खरीद सकते हैं? वो सर जैसे ही कि हमारे एरिया वाइज लोग बैठे हुए हैं, जैसे उनकी किसी राजस्थान में चाहिए या जम्मू में चाहिए, वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम उसको एरिया वाइज उसका कस्टमर का अपने एम्प्लॉयज का नंबर प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से उनके टच में जाके वो मिल्की मशीन वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, या कोई ट्रांसपोर्ट से मंगवाना चाहता है हम ट्रांसपोर्ट की मशीन भेज देंगे। अच्छा जी, तो और आप किसान भाइयों से अपनी मशीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस सर ये इजी है, इसके बारे में इजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ता जी, कहीं पे भी पोर्टेबल है, कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हो जी, कोई इसकी फिटिंग नहीं करनी पड़ती, कोई स्टैंड नहीं, कुछ नहीं, यहाँ से लेके जाओ और प्लग लगाओ और मिल्किंग कर लो। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी ने मशीन ले ली जी और लेने के बाद में उसको समझ में नहीं आया ये कैसे असेंबल करना है क्या करना है, तो उसके लिए आपकी कंपनी क्या हम उसको वीडियो दे देंगे जी। वैसे अच्छा। तो हम जब कस्टमर के पास जाते हैं जी, उनको उनके सबके बारे में बता कर आते हैं कि इसकी मिल्किंग ऐसे होगी और इसकी वॉशिंग ऐसे होगी, ब्रश देते हैं, केमिकल देते हैं, सब कुछ हम उनको दे के आते हैं, उनको समझा के डेमो दे के मिल्किंग करवा के आते हैं वहाँ। तो जैसे आपने वॉशिंग की बात करी, तो कुछ ऐसा भी ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि भाई अगर फार्मर इसको ऐसे ही डाल देगा, साफ नहीं करेगा, तो जल्दी कुछ खराब हो जाता हो इसका? जी सर, ये लाइनर जो ये लगते हैं इसके अंदर, ये पाइप जो है, ये पाइप है जी, ये मिल्क पाइप साफ करनी पड़ती है जी, और ये लाइनर है जो मिल्किंग करते हैं इससे, इससे बैक्टीरिया ना जाए। अच्छा। क्योंकि अगर इसको जल्दी वॉश नहीं करेंगे इसमें बैक्टीरिया बन जाएगा, वही थनेला की प्रॉब्लम आएगी, मस्टाइटिस होगी, इसलिए इसको वॉशिंग करने के लिए इसके केमिकल्स आते हैं। अच्छा। उसको वॉश करने के लिए इसके ब्रश आते हैं, जिसके हम कस्टमर को जब मिल्किंग करवाते हैं उसके बाद उसको बताते हैं कि ये चीजें ऐसे करके साफ करनी है आपने। तो केमिकल हर बार यूज करना पड़ता है या कभी कभी? वो सर हफ्ते में 2 बार यूज करना होता है और एक डेली वाला भी होता है, डेली वाला दोनों यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भाई जी, आपने बड़ी ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को जी सर, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। किसान साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमन त्यागी, रवि जॉन फार्म फ्रेंड्स।